नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 टीवी। मैं हूं आपके साथ अंशली आनंद। इस वक्त की अहम खबर क्यों रुक करेंगे, इस वक्त की अहम खबर आ रही है आर्टिकल 370 हटने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। जी हां, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये याचिका दायर की गई है। हालांकि जब से 370 हटाया गया था उसके बाद से ही लगातार ये कहा जा रहा था, और वो खास तौर कर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कहा गया था कि याचिका दायर की जाएगी, और अब याचिका दायर की गई और कोर्ट में ये अपील भी की गई है कि ये 370 जो हटाया गया है अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। अब इसके तरफ से NC सांसद मोहम्मद अकबर लोन हुसैन मसूदी ने ये अर्जी दी है। दरअसल लगातार अगर बात की जाए तो आर्टिकल 370 हटाने के बाद विरोध किया जा रहा है, लेकिन सरकार का साफ तौर से रुख है कि अब ये जो किया गया है वो हित के लिए किया गया है। और आपने दो दिन पहले भी सुना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को संबोधित किया, लेकिन उस संबोधन में खास तौर पर फोकस जम्मू कश्मीर था, और उन्होंने साफ तौर पर यह संदेश दिया कि ये जो फैसला लिया गया है ये ऐतिहासिक फैसला है। और कई कश्मीर वासियों की अगर बात की जाए तो मिली जुली प्रतिक्रिया है। अब इस पर याचिका दायर की गई है, देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस पर क्या फैसला लिया जाएगा, क्या इस पर बैठक के बाद चिंतन किया जाएगा। लेकिन कई ऐसे विरोधी हैं जो लगातार इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। हालांकि अगर मुख्य पार्टियों की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई खास रुख देखने को नहीं मिला। कोई विरोध कर रहा है तो कोई इसके समर्थन में बोल रहा है, लेकिन इस पर राजनीति जरूर हो रही है। लेकिन तमाम खबरों से बने रहने के लिए आप बने रहिए R9 TV के साथ।